स्टूडेंट्स, आज का अपना कंसेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इनकी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। आज का अपना जो कंसेप्ट है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर के है। तो इसमें दो पॉइंट पढ़ेंगे अपने, एक तो एक्सियल लाइन के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे और एक कंसेप्ट अपना होगा वो इक्वेटर लाइन के लिए होगा। तो फर्स्ट जो है वो अपना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान से देखना, अपने कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको अपने ए बी कह दिया। ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अपने को एक पॉइंट के ऊपर माइनस का चार्ज चाहिए, दूसरे के ऊपर क्या चाहिए, प्लस का। तो अपने कह दिया ये माइनस का क्यू है और ये क्या है, प्लस का क्यू। और इनके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट या इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, टू ए। और ओ जो है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी is an electric dipole at point A and B, the charges minus Q and plus Q are placed inversely, the distance between A and B is 2A। अब अपने कहा कि भाई यहां देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे अपने, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर। क्योंकि अपन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अपन ये बात पढ़ चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस ओर, प्लस से स्टार्ट होकर के और माइनस पर उनका क्या हो जाता है, एंड। यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन की, तो इसको अपन ने जस्ट इसका ऑपोजिट कहा था। तो ये जो है इसकी डायरेक्शन होगी माइनस से किस ओर, प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किस ओर होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब अपने को बात करनी है किसकी, एक्सियल लाइन की। एक्सियल लाइन अपन किसको कहेंगे, ए बी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इनके दोनों जो चार्जेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस लाइन के ऊपर अपने को कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए और उस पॉइंट के ऊपर अपने को क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसको अपने क्या किया, इसको थोड़ा अपने आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये आगे बढ़ा लिया। यहां अपने एक पॉइंट क्या अज्यूम कर लिया, पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। अब अपने कहा कि भाई ये जो पी है इस पॉइंट पी के ऊपर देखो माइनस क्यू चार्ज के थ्रू भी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉइंट पी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज के थ्रू भी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अपने क्या अज्यूम कर लिया, अपने कह दिया कि जो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल था इसका मिड पॉइंट ओ जो है इससे और पॉइंट पी की डिस्टेंस को अपने अज्यूम कर लिया कितनी है, स्मॉल आर है। एक बार डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे तो नेक्स्ट कंसेप्ट में अपने को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना और समझना बहुत जरूरी है। तो अपने कहा कि एबी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका मिड पॉइंट ओ जो था इससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर अपने क्या ले लिया, एबी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर ही पॉइंट पी ले लिया और यहां इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। अपने कहते देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूं कि भाई देखो प्लस क्यू चार्ज के थ्रू और अज्यूम कर लिया कि भाई पॉइंट पी के ऊपर कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसी टाइप से माइनस क्यू चार्ज के थ्रू भी और पॉइंट पी के ऊपर क्या होगा भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अपने ये अज्यूम कर लिया कि भाई प्लस क्यू चार्ज जो है उसके ड्यू टू और पॉइंट पी के ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने अज्यूम कर लिया क्या, इवन अज्यूम कर लिया। अब देखो माइनस क्यू से स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस क्यू के ऊपर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद अपने इस प्लस क्यू के ड्यू टू और पॉइंट पी के ऊपर अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को
इवन किस पॉइंट पर, पॉइंट पी वन पर, लेकिन माइनस क्यू चार्ज तो पीछे रह गया। माइनस क्यू चार्ज से अपने को क्या भाई, बी से पी पर अपन आ चुके हैं, तो अब अपने को माइनस क्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पी से किस ओर जाना पड़ेगा, एक ही ओर। तो मैंने कह दिया माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने अज्यूम कर लिया, वो कितनी है ई टू। अब ई टू की डायरेक्शन किस ओर होगी, ई टू की पी से किस ओर होगी, एक ही ओर। क्यों होगी, क्योंकि अपन ने कहा भाई बी से पी की ओर, पी पर अपन आ चुके हैं लेकिन माइनस क्यू तो पीछे रह गया, तो पी से अपने को कहां जाना पड़ेगा, पी से अपने को माइनस क्यू पर जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर हो जाएगी, इवन टू जस्ट ऑपोजिट टू।